दोस्तों इस चैनल पे पहाड़ की लाइफस्टाइल कैसी होती है, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलता रहेगा कि पहाड़ में हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, क्या क्या चलता रहता है पहाड़ में। अगर आप भी इन चीज़ों में देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर सकते हो, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं अपने ग्राम सभा के घंटाकरण मंदिर में। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोली यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। डोली यात्रा की जहाँ तक मान्यता है कि गांव के जो देवियाँ होती हैं, गांव में जो देवियाँ होती हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक घर से अनाज इकट्ठा किया जाता है और देवियों के लिए चढ़ाया जाता है, जिससे देवियाँ खुश हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं और ग्रामवासियों के ऊपर अपनी छत्रछाया बना के रखती हैं। और इसी आस्था के साथ प्रत्येक वर्ष डोली यात्रा निकाली जाती है और देवियों की पूजा की जाती है। तो देखते रहिए किस तरीके से होता है सब कुछ अपने चैनल गढ़वाल के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डोली यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और सर्वप्रथम पहले जो है क्या करते हैं कि गांव में जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार से 7 प्रकार का अनाज मिक्स करके थोड़ा थोड़ा लाया जाता है, जो कि गांव के ऊपर पर्वतों में जो देवियां वास करती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, और जो कि वो गांव के लोगों को आशीर्वाद के रूप में खुश रख सकें। कुछ इसी प्रकार की मान्यताओं के साथ इस डोली यात्रा का प्रत्येक वर्ष डोली यात्रा को लाया जाता है, डोली यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, रोड प्रसाद के लिए जो पानी काम में लाया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं नज़दीक पे एक नल है, तो वहीं से पानी लेके जा रहा हूँ मैं। और आप देख लीजिए किस तरीके का दृश्य है दोस्तों। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमाला, और यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तो भाई के पास बाल्टी दे दी है, मेरे को लेके जानी थी वैसे, लेकिन और ये छोटा भाई जो है कैमरा पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा चल भाई बाल्टी लेके ही चला गए। तो पानी की बाल्टी ले जा चुके हैं और मैं आ रहा हूँ पीछे से। और यहाँ पर प्रत्येक परिवार से जैसे आटा और गुड़ और तेल, और साथ में जो ग्राम पंचायत ने थोड़ा बहुत प्रत्येक परिवार से एक छोटी राशि एकत्रित की है पैसों के रूप में। अब वो चाहे 10 रुपये प्रत्येक परिवार से हो, 20 रुपये प्रत्येक परिवार से, ऐसा कुछ ये खाता जो रोड पूरी खाता जो हमारे गांव के मौजी वगैरह होते हैं, और मतलब ढोल का इंतजाम करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि उनको देने के लिए बोल सकते हैं। और जितना थोड़ा बहुत खर्चा आता है उसमें खर्च करने के लिए ये प्रत्येक परिवार पे ये पैसा लगाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे भाई साहब पैसा एकत्रित कर रहे हैं और साथ में नाम भी लिख रहे हैं। और यहाँ पर अब चल रहा है हमारा हवन का कार्यक्रम। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हवन का कार्यक्रम चल रहा है, और अभी हम उपस्थित हैं अपने गांव के घंटाकरण मंदिर के प्रांगण में, और अभी चल रहा है हवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गांव में, वैसे जो मेन मंदिर है ऊपर हल्दिया पहाड़ में, लेकिन ये गांव के लोगों के लिए दूर ना पड़े ताकि, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था जहाँ तक मैंने सुना है। और यहीं पर लोग डोली यात्रा जो है गांव की सुख समृद्धि के लिए और शांति के लिए जो है देवियों की पूजा के लिए की जाती है। हाँ जी, जैसे हाँ इसमें क्या क्या किया जाता है, मतलब इसमें जैसे मतलब हम अपने
देवियों को रोट प्रसाद और पूजा पाठ के साथ जो है उनको जो है साल भर में एक बार उनकी पूजा करते हैं। हाँ जी। और ये डोली यात्रा जो है इसलिए बनाई जाती है। हाँ जी। आपको विश्वास है इससे संतुष्ट हो जाते हैं? ये हमें पूरा विश्वास है कि इस काम को करने से गांव में शांति मिलती है और रोग दोष जो हैं दूर होते हैं। हाँ जी। मतलब लोगों की एक सच्ची आस्था है इसके प्रति, इसके पीछे लोगों की एक सच्ची आस्था है। हाँ जी। इसलिए जो है ये काम जो है हमारे पूर्वजों से होके आया है। हाँ जी। और हम इसको करते आए हैं और करेंगे। हाँ जी। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी की तैयारियां करते हुए गांव के नौजवान, ये कढ़ाई में तेल डाल रखा है पूरी बंदा। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रसाद के रूप में पूरी और प्रसाद जिसको बोलते हैं आटे का जो बनता है गुड़ से बनता है जो, तो वही बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक कार्यक्रम हो रहा है गांव में अपने, और ये प्रसाद जो है थोड़ा देवियों को चढ़ाया जाता है बाकी गांव वालों को बांट दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी युवा वर्ग के लोग, सभी मेरे दोस्त लोग इस चीज़ को तैयार करने में लगे हुए हैं, और सामने पे आपको दिख रही है छोटी सी डोली बनाते हैं जो कि तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर अपने भाई लोग अपने अपने तरीके से जो उनसे हो पा रहा है वो काम कर रहे हैं, बाकी बैठे हुए हैं, बाकी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोली यात्रा निकले और कब हम प्रसाद ग्रहण करें और अपने घर को चलें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोग काफ़ी खुश मन से यहाँ पर आए हुए हैं डोली तैयार करते हुए। यहाँ पर ये डोली बनाई जा रही है जो कि इसमें कि अपने क्या बोलते हैं उसको, एक पहिया का पेड़ होता है, पहिया को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहिया का पेड़ के पत्ते जो है उपयोग में लाए जाते हैं डोली बनाने के लिए।